आप देखा, थाने का चौकीदार आज भी 400 रुपया रोज नहीं पाता। गरीबों की सेवा करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, रोजगार सेवक, सहायिका, आशा बहू, शिक्षा मित्र और मनरेगा का मजदूर भी आज तक 400 रुपया रोज आप नहीं दे पाए और आप 400 पार का नारा दे रहे थे। माननीय सांसद श्री रमाशंकर राजभर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता। सभापति जी, सब चंगा से सरकार की बातों को हम लोग सुना जाए उस पक्ष के, तो सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। धन प्रबंधन एक बड़ा विषय है और आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से कहना चाहता हूं, बहुत कम समय, केवल एक उदाहरण देकर बात खत्म करूं। ऐसा धन प्रबंधन है कि हम सांसदों को 5 करोड़ सांसद निधि मिलती है, यह जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है, लेकिन मिलता कितना है? 4 करोड़ 90 लाख। और जब वो जिले पर आप धन लिखेंगे तो 2% स्टेशनरी चार्ज कटेगा और 18% जीएसटी कटेगा, तो मिलेगा आपको 3 करोड़ 90 लाख का ही बमुश्किल काम करा सकते हैं। यह सरकार का धन प्रबंधन है। अगर इससे अधिक हमारे सत्ता पक्ष के साथी पाएंगे तो हमको बताएंगे। जो धन प्रबंधन है, बड़ा अच्छा लगा था वित्त मंत्री जी का उस दिन का भाषण सुन करके कि 7 लाख तक हम टैक्स नहीं लेंगे और 30 करोड़ जो कमाएगा 30 लाख उससे इतना लेंगे, 80 करोड़ जो कमाएगा उससे इतना लेंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया जो डायरेक्ट कर है, इन डायरेक्ट कर में आप मारे जा जनता मारी जा रही है। डायरेक्ट कर वालों को कितना लाख रुपया उनका पट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जो अधिक कर देता है उनका कर्जा माफ होता है और उनके धन बट्टा खाते में डाल दिए जाते हैं, और कम कर देने वाला मतदाता उसका पंपिंग सेट का ऋण भी नहीं माफ होता है। 10,000 रुपया कर्जा लिया है वह भी माफ नहीं होता है। मैं सत्ता से कहूंगा सब चंगा से, लेकिन कब चंगा से? जब रेड सिग्नल पर आपका शीशा पोसते हुई कोई बेटी और कोई बेटा न मिले। जब शादी पैसे के अभाव में किसी बेटी की शादी रुकती है तब पीड़ा होती है। और जो हमारा धन प्रबंधन है, माननीय सभापति महोदय, आज तक यह सरकार कहती है, हमको तो बड़ा भ्रम होता है, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत, और इस विकसित भारत की कल्पना में मैं साधुवाद देता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के भाइयों को कि सदन में भाजपा का नाम लेना बंद कर दिया है, केवल माननीय मोदी जी का नाम से शुरू भाषण होता है और उन्हीं के नाम पर खत्म होता है। लेकिन विकसित भारत में आप देखा, थाने का चौकीदार आज भी 400 रुपया रोज नहीं पाता। गरीबों की सेवा करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, रोजगार सेवक, सहायिका, आशा बहू, शिक्षा मित्र और मनरेगा का मजदूर भी आज तक 400 रुपया रोज आप नहीं दे पाए और आप 400 पार का नारा दे रहे थे। आपने बड़ा शौचालय बनाया, इतना शौचालय बनाया कि कितने का? 12,000 का। अरे जाइए 5 स्टार होटल में एक कमरे का भाड़ा 12,000 है।
लाख में मैं भी लाख वाले में नहीं गया मैं। हाँ ये जरूर है कि आप जल नल से पानी दे रहे हैं फ्री में तो छाती पीटा जा रहा है, लेकिन ये अभी तो देखें कि 1000 रुपया एक लीटर पानी और 50 रुपये में एक लीटर दूध मिला। मैं आपसे अदब और तमीज से कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह से आता है, सभी सांसद हमारे बैठे हैं और सरकार के लोग भी अगर बड़ी गाड़ियों से न जा रहे हों तो हर शहरों में लेबर बाजार लग रहा और वहां 400 500 1000 लेबर, और कोरोना के बाद जो आपने की व्यवस्थाओं से हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले, ट्रेन हमारी थी लेकिन लोगों को पैदल चलना पड़ा, मरे, सारे रोजगार बंद हुए और वह लोग जो लेबर है वो काम के अभाव में इतने महंगे सीमेंट चल मालिक घर बनाना बंद कर दिए, और जो ही वो भी जाते हैं जान लेना शाम को शराब पर आप सबसे अधिक टैक्स लेते हो और वो लेबर भी शराब पीकर आपको टैक्स देता है और कर प्रबंधन में धन प्रबंधन में आपकी मदद करता है, लेकिन आपने उसके बच्चे के पढ़ने के तब इंतजाम की का समय आया तो उस पर आप GST लगाते हो कॉपी और किताब। इन्वेस्ट की बात होती है, मैं समय नहीं लूंगा, मेरे दल के दूसरे साथी को बोलना होगा। इन्वेस्ट के नाम पर उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है करीब 7 वर्ष से रोज इन्वेस्टर बुलाए जाते हैं कि आएंगे इन्वेस्ट करेंगे और हमारा विकास होगा हमारा धन बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्ट पर कितने करोड़ रुपया खर्चा हुए, जितने करोड़ रुपया खर्चा हुए उतने का भी निवेश हमारे देश प्रदेश में नहीं हुआ। आप निवेश ठीक करेंगे नहीं, आप उधार देंगे उधार लेंगे नहीं, आप अगली बाजार को देखेंगे नहीं, आपने माल संस्कृति ला दी, आप भूल गए कि छोटा व्यापारी 1000 रुपए में किराए की दुकान लेता है, 500 रुपया 1000 रुपया उस दुकान का भाड़ा देता है, छोटी दुकान खोला था और आपने ऐसा बढ़ावा दे दिया कि अब नेट से मार्केटिंग हो रही है, उसको मार्केटिंग जब शुरू हो गई लोग फोन कर दे रहे हैं, माल वालों का माल तो घर आ जा रहा है, माल वालों के किराना का सामान उनके फोन से घर आ जा रहा है, माल वालों का जूता चप्पल कपड़ा सौंदर्य सामग्री केवल फोन से सब्जी तक उनके घर पहुंच जा रही है, लेकिन जो गरीब दुकानदार है व्यापारी है जरा उसकी दशा पूछो, अपने दुकान का भाड़ा तक नहीं दे पा रहा है, उसका किराया तक नहीं दे पा रहा। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि जो आपने व्यवस्था दी है इन व्यवस्थाओं की बदौलत आप विकसित हो सकते हैं, लेकिन देश का गरीब नहीं विकसित होता है और जब तक देश की झोपड़ी नहीं विकसित होती है 1,20,000 में आवास आप बना रहे हैं, बनेगा 1,00,000 रुपए में 1,20,000 में आप